के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये है पर्यावरणम। क्या है पर्यावरणम? अर्थात पर्यावरण। और ये जो पाठा है वह है एकादशा पाठा। इसके पहले के जो भी मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाए हैं, उनको अनुवादों को समझाया है, प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया है ना। आज हम ये पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। ये है निबंधा। क्या है ये? निबंधा। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ का थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठांशः पर्यावरणम्। पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। नदीनाम वारि मलिनम संजातम्। शनः शनैः धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच बहुना पशु पक्षिणाम जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। पर्यावरण के प्रदूषण से क्या क्या होता है ये इसमें बताया है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकम समेशामेव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। पादपः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यक्षन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। अस्माद् हेतुः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। हमारा कर्तव्य अस्माकं यद् वयम् हम सब वृक्षारोपणम् तेषां संरक्षणम् जल सुचिता करणम् ऊर्जायाः संरक्षणम् उद्यान तालादगादीनां सुचितापूर्वकम् पर्यावरण संरक्षणार्थम् प्रयत्नम् कुर्याम। हम सबको संरक्षण करना चाहिए किसका? प्रकृति का। वृक्षारोपण करके अनेन अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम् सुखावहञ्च भविष्यति। आप थोड़ा सा इसका अनुवाद भी आप समझते हैं। ये अनुवाद दिया हुआ है। ये जो भी हमने आपको पढ़ाया संस्कृत में प्रस्तुत यह पाठ्यांश जो है पर्यावरणम, पर्यावरण विषय पर एक कैसा निबंध है? लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। अत्याधुनिक जीवन शैली में यानी आधुनिकता की जीवन शैली में जो प्रदूषण है प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में है। जैसे कि नदियों का जो पानी है वो क्या हो गया? गंदा हो गया है। और शनै शनै माने धीरे धीरे पृथ्वी वनों से क्या हो गई? रहित होती जा रही, क्योंकि जो जंगल है उनसे सब काट कर लकड़ियां वगैरह वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण क्या हो गया? जहरीला। बड़ी बड़ी चिमनियां प्रदूषण जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बीमारी देने वाला हो रहा है। वृक्षों के अभाव और प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो पशु हैं पक्षियों का जो जीवन है जीवन ही संकट में क्या है? पड़ा हुआ है। पर्यावरण
पड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? वृक्षों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणी अपितु या बल्कि हम सभी का जो जीवन रह नहीं सकता, क्योंकि हमको जो शुद्ध वायु है, हवा है, बहुत सारी औषधियां हैं, वो सब हमको कहाँ से प्राप्त होती? वनों से। पौधे हमें न केवल शुद्ध हवा ही नहीं देते बल्कि वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए क्या, पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, पानी को साफ रखना, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचे, तालाब आदि की पवित्रता पूर्वक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इससे ही हम सभी का जो जीवन है वो कैसा रहेगा, निरोग और सुखी होगा। तो यहाँ हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और यह जानकारी बहुत जरूरी है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह हमारे लिए जीवनदायक है ना। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिलते हैं, जैसे हमने बोला कि जो वृक्ष हैं वो केवल उनसे हमको, जो पौधे हैं हमें ऑक्सीजन नहीं देते, हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फल फूल लकड़ी औषधि विभिन्न प्रकार की। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा पाठ का अनुवाद और भावार्थ, पहला थोड़ा संस्कृत का समझते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते एवं सर्वान् पुष्पणाति विविधै प्रकारैः सुख साधनैः च तर्प्यति। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्त्वानि, तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्नतात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। यथा आजात शिशुः मातृगर्भः सुरक्षितः तिष्ठति, तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम्। अस्माभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्री चिंत प्रददाति। प्रकृति कोपैः अंतकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति, जल प्लावनै अग्निभ्यः भूकंपैः बात्यचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्वा मंगलम्। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप इनके शब्दार्थ, समेषां सभी के, सर्वेषां यतते प्रयत्न करती है, प्रयत्नम करोति, पुष्पणाति पुष्ट करती है, पोषणम करोति, तर्प्यति तृप्त संतुष्ट करती है, तृप्तम करोति, तान्येव विहि तानियेव पृथक्यता अलग से यानी भिन्नताया, आभ्रियते यानी आच्छादित किया जाता है, आच्छाद्यते समन्तात् पूरी तरह से पूर्ण रूपे, परिता यानी चारों ओर, सर्वता तिष्ठति रहता है, भवति कुक्षौ गर्भ में, परिष्कृतम शुद्ध शुद्धम अस्मभ्यम हमें या अस्माकं कृते, प्रददाति प्रदान करती है, प्रदानम करोति, आतंकिता व्याकुल व्याकुला है, जल प्लावने बाढ़ों से, जलोदय बात चक्राई यानी आंधी तूफानों से, बात चक्राई संतप्य तस्य दुखी का या दुख खितस्य। चलिए इसके आगे अब यहां आप समझिए, जो प्रकृति है, प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है, एक प्राणी नहीं, सभी प्राणी मात्र संरक्षण के लिए क्या करती, प्रयत्न करती है। यह विभिन्न प्रकार से सभी को पुष्ट करती है, क्या करती है, विभिन्न प्रकार से सभी को पुष्ट करती है और सुख साधनों से तृप्त संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जल,
वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। वे ही मिलकर या अलग से हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? रचते हैं, जिसके द्वारा संसार चारों ओर से पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है। वही पर्यावरण है जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, और उसी तरह से मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से व्याकुल व्यक्ति क्या कर सकता है? बाढ़ों से, अग्नि के भयों से, भूकंपों से, आंधी तूफानों से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है? अर्थात कहीं नहीं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, तेन चा पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगला संसना ऋषियो बने निवसंती स्मा, यतो ही बने सुरक्षितं पर्यावरणं उपलभ्यते स्म। तत्र विविधा भागा कल पूजी स्रोत रसायनं ददाति। सरितो गिरी निर्जराश अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रक्षन्ति। बड़ा निर्मल जल होता था, जो झरने, जो नदियां होती थी। वृक्षा लताश फलानी पुष्पाणी इंधन काष्ठानी चा बाहुलेन्य समुप्य हरती हरंती शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। बहुत अच्छा, अब इसको समझते हैं, थोड़ा शब्दार्थ पढ़ेंगे। अस्मा भी हमारे द्वारा, वयम लोक मंगलाश संसिनः जनता के कल्याण को चाहने वाले, समाज कल्याण कामा, यतो ही क्योंकि एतेन कारणेन विहगा माने पक्षी पक्षिणा कल पूजी श्रोत्र सायनम मधुर पूजन से कानों को अमृत, कर्णा अमृतम मधुर ध्वनिना तत्र यानी वहां तस्मिन् स्थाने ददाति प्रदान करते हैं, नानम कुर्वन्ति सरिता नदियां नद्यः गिरी निर्झरा यानी पहाड़ों से निकलने वाले, गिरी माने क्या होते? पहाड़। और निर्झरा यानी निकलने वाले जो झरने, पर्वतानाम प्रपाता अमृत स्वादु अमृत के समान स्वाद वाला, अमृतम इव स्वादिष्टम प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं, प्रदानम कुर्वन्ति काष्ठानि लकड़ी समुपहरन्ति अच्छी प्रकार से प्रदान करते हैं, सम्यक्तया प्रदानम कुर्वन्ति औषध कल्पम औषधि के समान औषधि तुल्यम। चलिए आप यहां देखिए थोड़ा सा अनुवाद। इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए, हम सभी के द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए, उससे पर्यावरण की रक्षा होती है। और जो प्राचीन काल में जनता के कल्याण को चाहने वाले कौन? ऋषि वन में रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। जो नदियां हैं, पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्ष और लताएं, फल फूल ईंधन के लिए लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करती है। ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती?
वन में, ठीक है, जंगल में, और ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंध वन की वायु औषधि के समान प्राण वायु ऑक्सीजन बांटती है। इस प्रकार हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और वनों को सुरक्षित करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे बहुत लाभ होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर अनुवादों को पढ़ाया, समझाया। इसके और आगे के अनुवादों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आप इसको कॉपी में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।